Palace, a government tourist hotel in the southern state of Kerala. He was 52 years old. Dr. Sarabhai, son of a textile millionaire and friend of the... Flight 147 from London to Trivandrum will be landing in 25 minutes. Cabin crew, please prepare for arrival. मैं समझ सकता हूं कि विक्रम साराभाई की मौत का सदमा आपको बहुत हुआ होगा। इसरो ने एक होनहार साइंटिस्ट खोया था, पर आपने अपना गुरु, उनके बाद इसरो में आपके लिए काफी कुछ बदल गया होगा। विक्रम साराभाई के गुजर जाने के बाद सतीश धवन ने जो वादे आपसे किए थे, क्या वो वादे वो पूरे कर पाए? सतीश सर ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। विक्रम साराभाई के जाने के बाद मेरी अकड़ में अंगड़ाई जरूर आई थी। मैं हड़बड़ा सा गया था क्योंकि लिक्विड फ्यूल इंजन मैंने खुद बनाने की तय कर ली थी। लेकिन उस वक्त इसरो के पास रिसोर्सेज की कमी थी और मेरे पास सब्र की। और पानी में एम्पायर डिस्प्ले भी किया। हाँ, हमने फिल्टर रिस्टोर किया। फिल्टर पानी में मिट्टी है, मिट्टी फिल्टर में चिपकता जाएगा। तो कैलिब्रेशन उनकी प्यारी। 5, 4, 3, 2 फटने वाली है। 1. रुक जा। भी लगता है एक ही लिक्विड तुम्हारे लिए सेफ है। चाय पियोगे? सर ये फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के पास और कोई काम ही नहीं है क्या? हमेशा दांत दिखाकर खड़े रहते हैं। नहीं है? देख क्या रहा है? सर आप अगर मुझे ढंग के रिसोर्सेज नहीं दे सकते ना तो प्लीज मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूं। नंबी अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। हां मैं जानता हूं ये सब ड्रामा तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। आज क्या मांगने आयो? What do you want? सर दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। नंबी गरीबी में आटा गीला करने की बात मत करो। तुम जानते हो हमारे पास बजट की कमी है। सर बजट की कमी हो सकती है पर दिमाग की तो नहीं ना। अब वक्त आ गया कि हमारा दिमाग बेचकर हम अपनी बजट की कमी पूरा करें। मतलब ये कि SCB फ्रांस अपने आर्यन रॉकेट्स के लिए वाइकिंग लिक्विड फ्यूल इंजन तैयार कर रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए उन्हें साइक्रोनस साइंटिस्ट और मैन ईयर्स की जरूरत है। हम उन्हें अपना काबिल दिमाग देंगे और बदले में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी उनसे सीख लेंगे। अब बाटा। नंबी ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है मगर फ्रांस हमारा ससुराल तो है नहीं जो घर बुलाकर घी खिलाएगा। वो नहीं मानेंगे। सर वो नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मान गए तो? मान गए तो मैं कौन होता हूं तुम्हारे रास्ते में आने वाला? मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सर अपना आशीर्वाद ना इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दीजिए। मैंने फ्रेंच वालों से बात कर ली है। वी हैव अ डील। अंबी बड़ी तीखी चीज हो तुम। दिस इज अ ब्लडी गुड डील। अच्छा बताओ तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? 52 साइंटिस्ट जो फ्रेंच सीखकर 3 साल अपनी फैमिली के साथ फ्रांस में रहने के लिए तैयार हूं। क्या बात है गाइस, फ्रेंच सीखने के लिए 8 महीने ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ओ यार लंबी, इंग्लिश सीखने में 8 साल लग गए यार, फ्रेंच कहाँ सीखेंगे? अच्छा चलिए ये बताइए कि फ्रेंच में गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं? बोंजूर। सही है। अब मुझे ये बताइए कि फ्रेंच में हम ये कैसे कहेंगे कि फ्रांस में अगर हम में से किसी ने भी एक शब्द भी फ्रेंच में कहा तो नौकरी तो जाएगी, साथ में बगैर तनख्वाह के इंडिया वापस भेज दिए जाओगे। जी हाँ, फ्रांस में हम अपने आंख और कान खुले रखेंगे लेकिन जुबान बंद। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमें फ्रेंच आती है। जेंटलमैन, ये मिशन हमें जितना दिखता है उससे कई गुना बड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ब्रीफिंग पढ़ ली होगी। हमें अपना लिक्विड इंजन बनाने के लिए उनके इंजन की बनावट और बारीकियों को समझना होगा। इसीलिए हम आप सबको हर एक डिपार्टमेंट में रोटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे और जब हम वर्णन जाएंगे और इनकी वाइकिंग इंजन पर काम करेंगे तो ये जो कहते हैं उसे हम ध्यान से सुनेंगे और ये जो हमसे नहीं कहते उसे और भी ध्यान से समझेंगे। याद रखिए वर्णन फ्रांस का एक छोटा सा कस्बा है जहां हर कोई हर किसी को जानता है। हमें ध्यान रखना होगा। Bye.
हमारे लोग पहले से इन डिपार्टमेंट्स में हैं, टैंक गेजेस, प्रेशराइजेशन सिस्टम्स, कंट्रोल एलिमेंट्स एंड थ्रस्टर असेंबली। अब हमें रेगुलेटर्स, स्टेज सिस्टम्स, गिम्बल एक्चुएटर सिस्टम्स और कमांड मॉड्यूल सिस्टम्स में अपने लोगों को घुसाना है। इन रेड्स को ग्रीन में बदलने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। नंबी, कुछ टेस्ट तो बीच में ही रुके जा रहे हैं। हमको अब ये पता नहीं है ये प्रेशर रेगुलेशंस की वजह से हो रहा है या प्रेशर रेगुलेटरी गेजेस की खराबी की वजह से हो रहा है। इन्हें सारी प्रॉब्लम्स को समझने लिए सारे का एनालिसिस से एंड डेटा करना पड़ेगा और एक ही जगह है जहां पे हमें ये सब कुछ मिल सकता है। RCD is one place they don't even let us walk past. Forget about getting in. I don't know how we're going to manage that, Nambi. पर हमारे नोवा के लिए RCD के अंदर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे मिशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नंबी, पता है यार बाजी, जो बातें पता है उसको घड़ी घड़ी दोहराओ मत यार। नंबी, याद है जब हम मोने म्यूजियम गए थे और फ्रेंच ने हमें सिखाया कि पेंटिंग की असली खूबसूरती पहचानने के लिए उसे थोड़े पीछे दूर हटके दूर से देखने की जरूरत है। हाँ ठीक है यार, लेकिन जो बातें हम कर रहे हैं उससे इसका क्या लेना देना। नंबी, द वाइकिंग इंजन का जो अपर स्टेबिलिटी मार्जिन है ना, वो बहुत कम है। What are you saying? और वाइकिंग कितना सहलेगा? प्रेशर अगर दो बार भी ज्यादा हुआ ना तो वाइकिंग ऐसा कांपेगा जैसे मेरे होठ कांपते हैं जब मैं खूबसूरत लड़की से मिलता हूँ। Hey. Let me insert this seat. Hey. Sorry. How are you doing? Good to see you, man. You jerk. After all that filter coffee last time, you couldn't bother to say a proper goodbye, huh? I'm so sorry. He's part of the advisory committee for the leaking engine. Oh, he's part of the advisory committee? Yeah. Guys, this is Barry. He's from the U.S. Part of the advisory committee for the Viking engine. Oh, congrats, man. Hey, so how come you didn't tell them that the upper stability margin of the Viking engine is so low? Huh? I think the alcohol is getting to him. Okay, I tried telling you. I promise I won't say I told you so later on. So tell me, how long have you been here? Not for long. Just here to observe, assist if necessary. Are you assisting? Good. What were we saying about the stability margin? Michelle, I was saying that the upper stability margin of the Viking engine is a little too low. A little bit of change in the operating pressure and the engine will vibrate or worse still totally explode. No, that's not possible. Oh, actually it's quite possible because you're assuming that your fuel is as pure as the French wine, but if it turns out to be a cheap American knockoff, the engine will be drunk before you can say santé. Is that your Indian sense of humor? What if I prove it to you? Shall we begin? Yes. Varam, start kar. Parfait. Smooth running. That is the operating pressure we designed it to be. Yes, but what about the stability margin, huh? Varam, increase. Hey, but an engine like this should be able to withstand this easily, huh? Without a reasonable stability margin, you are vulnerable to high-risk failures, guy. Param, some more. Nambi,